दोस्तों, अगर आप नीतीश राणा और शिखर धवन को एक खतरनाक बल्लेबाज और एक शानदार कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर नीतीश राणा की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब किंग्स की कमान शिखर धवन के हाथों में रही। वहीं पंजाब की ओर से राजपक्षे ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जहां पर उन्होंने 32 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। वहीं शिखर धवन 40 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार बने और 20 ओवर के बाद पंजाब ने 191 रन बना लिए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने किस शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन बारिश की वजह से जीतते जीतते मैच हारना पड़ा। तो पूरा वीडियो आपको हाईलाइट इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार 15वें ओवर से बैकी अयर और रसल ने शानदार तरीके से तूफानी पारी खेलना शुरू किया, उसका पूरा हाईलाइट दिखाएंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आईपीएल 2023 के दूसरे मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जबकि पंजाब ने बैटिंग का फैसला किया, जहां पर पंजाब की तरफ से कप्तान शिखर धवन और प्रभ सिमरन सिंह ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, जबकि कोलकाता ने उमेश यादव को पहला ओवर डालने के लिए सौंपा, जहां पर प्रभ सिमरन सिंह तूफानी बारी के बाद आउट होते हैं और इस प्रकार पंजाब किंग्स को पहला झटका लगता है और उन्होंने 12 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 23 रन बनाए, जहां पर प्रभ सिमरन को साउदी ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पंजाब ने 2 ओवरों के बाद 1 विकेट के नुकसान के साथ 23 रन बना लिए थे। वहीं पंजाब किंग्स ने 4 ओवरों के बाद 36 रन बना लिए थे, जहां पर शिखर धवन 10 और भानुका राजपक्षे 3 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और पंजाब किंग्स ने 5 ओवरों के बाद 50 रन बना लिए हैं, जहां पर भानुका राजपक्षे 10 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि धवन 8 गेंदों में 10 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स के 69 रन हो जाते हैं, जहां पर राजपक्षे 18 गेंदों में 31 रन बनाते हैं, जबकि उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए, और शिखर धवन 12 गेंदों में 15 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और जहां पर उन्होंने 3 चौके लगाए। कोलकाता के लिए एकमात्र विकेट टीम साउदी ने अभी तक लिया है। वहीं 8वें ओवर में गेंदबाजी करने सुनील नारायण आते हैं और ओवर की तीसरी ही गेंद पर राजपक्षे ने शानदार तरीके से चौका जड़ा और इस ओवर में उन्होंने 10 रन बटोर लिया, जबकि 9वें ओवर में गेंदबाजी करने शार्दुल ठाकुर आते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर ही राजपक्षे ने शानदार चौका जड़ दिया और वहीं शार्दुल की 9 बॉल पर धवन ने एक शानदार तरीके से छक्का जड़ा और इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। वहीं 10वें ओवर में गेंदबाजी करने वरुण चक्रवर्ती आते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर धवन ने चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 9 रन बने और इस प्रकार 1 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स ने 100 रन बना लेते हैं, यानी 10 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स का शतक पूरा हो जाता है। वहीं 11वें ओवर में गेंदबाजी करने उमेश यादव आते हैं और इस ओवर में राजपक्षे ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। वहीं 11वें ओवर की आखिरी ही गेंद पर राजपक्षे कैच आउट हो जाते हैं और उन्होंने 32 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद 13वें ओवर में गेंदबाजी करने फिर उमेश यादव आते हैं और 5वीं गेंद पर जितेश ने चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल 8 रन बने। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में गेंदबाजी करने टीम साउदी आते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर जितेश ने छक्का जड़ा, वहीं तीसरी गेंद पर जितेश कैच आउट हो जाते हैं और जितेश ने 11 गेंदों में 21 रन बनाए और इस ओवर में कुल 14 रन बटोरे और इस प्रकार 3 विकेट के नुकसान पर पंजाब का 142 रन हो जाता है। वहीं 15वें ओवर में गेंदबाजी करने वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आते हैं और इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर चक्रवर्ती ने शिखर धवन को आउट कर दिया, जहां पर धवन ने 29 गेंदों पर 40 रन बनाए और इस ओवर में केवल 1 रन ही मिले और इस प्रकार 4 विकेट के नुकसान पर पंजाब का 143 रन स्कोर हो जाता है। इसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी करने शार्दुल ठाकुर आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर जहां पर रजा ने छक्का जड़ा और इस ओवर में उन्होंने 10 रन बटोरे अपनी टीम की तरफ से। वहीं 17वें ओवर में गेंदबाजी करने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती आते हैं और ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल लिए। इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यश करण ने एक शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 18वें ओवर में गेंदबाजी करने सुनील नारायण आते हैं और 5वीं गेंद पर रजा 16 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और इस ओवर में केवल 4 रन ही बने और इस प्रकार पंजाब किंग्स के 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन हो जाते हैं। इसके बाद 19वें ओवर में गेंदबाजी करने शार्दुल ठाकुर आते हैं, जहां पर पहले 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनते हैं, वहीं चौथी गेंद पर शाहरुख ने चौका जड़ दिया और इस ओवर में 8 रन बटोर लिए और इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब के 5 विकेट के नुकसान पर 176 रन हो जाते हैं। वहीं अंतिम ओवर यानी 20वें ओवर की गेंदबाजी करने टीम साउदी एक बार फिर आते हैं और पहली गेंद पर शाहरुख ने शानदार तरीके से चौका लगा दिया, जहां पर तीसरी गेंद पर करण ने छक्का जड़ा, जबकि चौथी और 5वीं गेंद पर करण ने 2 डबल बटोरे और इस ओवर में कुल 15 रन बटोर
लिए और इस प्रकार ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब ने 191 रन बना लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स को 192 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं इस शानदार लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की ओर से बल्लेबाजी रहमानुल्लाह गुरबाज और मनदीप सिंह आए। वहीं गेंदबाजी करने के लिए यशकरण आए। पांचवी गेंद पर जहां पर गुरबाज ने एक कड़क छक्का जड़ दिया, वहीं अंतिम गेंद पर चौका लगाया और इस ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरी ओवर में गेंदबाजी करने अर्षदीप सिंह आते हैं, जहां पर लीग की पहली ही गेंद पर अर्षदीप ने मनदीप को काउच आउट कर दिया, जहां पर मनदीप ने 4 गेंदों पर केवल 2 रन ही बना पाए थे। इस प्रकार केकेआर को दूसरे ही ओवर में पहला झटका लगा, जहां पर मनदीप की आउट होने के बाद अनुकूल राय बल्लेबाजी करने आते हैं। अनुकूल ने अपनी दूसरी ही गेंद पर शानदार तरीके से चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर अर्षदीप ने अनुकूल को भी कैच आउट कर दिया। वहीं तीसरी ओवर में गेंदबाजी करने यशकरण आते हैं, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर गुरबाज ने शानदार तरीके से चौका जड़ा और केकेआर की ओर से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने आए, जहां पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की जगह ली और इस ओवर में कुल 7 रन बनते हैं। इस प्रकार 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स 24 रन बना लेता है। वहीं चौथा ओवर अर्षदीप सिंह लेकर आते हैं गेंदबाजी की और ओवर की पांचवी गेंद पर गुरबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार चौका जड़ दिया और इस प्रकार इस ओवर में 5 रन बटोर लिए। इसके बाद पांचवी ओवर में गेंदबाजी करने नेथन एलिस आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर गुरबाज क्लीन बोल्ड हो गए और गुरबाज ने जहां पर 16 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसके बाद बैटिंग करने के लिए कप्तान नीतीश राणा आते हैं और चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 6 रन बटोरी। इसके बाद पांचवी ओवर में गेंदबाजी करने सिकंदर राजा आते हैं और पांचवी ही गेंद पर बैंकी अय्यर ने चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर भी बैंकी ने शानदार तरीके से लगाव चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए और इस प्रकार कोलकाता के 3 विकेट के नुकसान पर 46 रन हो जाते हैं। इसके बाद छठे ओवर में गेंदबाजी करने नेथन एलिस आते हैं और इस ओवर में 3 सिंगल आते हैं और वहीं ओवर में महज 4 रन बनते हैं। इसके बाद सातवें ओवर में गेंदबाजी करने सिकंदर राजा आते हैं और वहीं ओवर की पांचवी गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार तरीके से चौका जड़ा और इस ओवर में नीतीश राणा ने कुल 10 रन बटोरे। आठवें ओवर में गेंदबाजी करने ऋषि धवन आते हैं और ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार तरीके से चौका जड़ा, वहीं राणा ने दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका जड़ा। वहीं पांचवी गेंद पर बैंकी अय्यर ने शानदार तरीके से चौका लगाया और इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। वहीं नवा ओवर लेकर आते हैं सिकंदर राजा, जबकि दूसरी ही गेंद पर नीतीश राणा कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर राणा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आते हैं और इस ओवर में केवल 5 रन ही मिलते हैं। इस प्रकार कोलकाता 9वें ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन का स्कोर बना लेते हैं। वहीं 10वां ओवर लेकर आते हैं आरचहर, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं और महज 4 रन बनाकर ही रिंकू सिंह आउट होते हैं और इस ओवर में केवल 3 रन बनते हैं और 5 विकेट के नुकसान पर 83 रन हो जाते हैं कोलकाता के। जबकि 12वां ओवर लेकर आते हैं हरप्रीत बराड़ और इस ओवर की तीसरी गेंद पर रसल ने चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल 8 रन बटोरते हैं अपनी टीम की तरफ से। वहीं 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आरचहर लेकर आते हैं और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रसल ने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार छक्का जड़ा और इस ओवर में कुल 9 रन बटोर लिए और इस प्रकार 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन पूरे हो जाते हैं कोलकाता के। वहीं 14वां ओवर लेकर आते हैं नेथन एलिस, जहां पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर रसल ने शानदार तरीके से चौका जड़ा और एलिस की चौथी गेंद पर नो बॉल करार दिया गया और फ्री हिट पर बैंकी अय्यर ने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे, जहां पर कोलकाता के 14 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 118 रन बन जाते हैं। वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए लेकर आते हैं यशकरण, जहां पर करण की तीसरी ही गेंद पर रसल ने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर रसल ने भी एक और चौका लगाया। वहीं पांचवी गेंद पर रसल कैच आउट हो जाते हैं और उनकी तूफानी पारी का अंत होता है, जहां पर उन्होंने 19 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट होते हैं। जबकि 16वां ओवर लेकर आते हैं अर्षदीप सिंह, जहां पर ओवर की तीसरी ही गेंद पर बैंकी अय्यर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर अय्यर ने 28 गेंदों पर केवल 34 रन ही बनाए थे और वहीं अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार छक्का जड़ दिया, जहां पर केकेआर की 16 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन हो जाते हैं। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगता है, जहां पर मोहाली में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे मैच रोक दिया जाता है और DRS नियम के अनुसार केकेआर टीम पीछे चल रही है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो पंजाब किंग्स यह मुकाबला जीत सकती है। DRS नियम के अनुसार केकेआर अभी 7 रन से पीछे चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी, पंजाब किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? कमेंट में जरूर बताएं।